કૌશલે બનાવેલી નકલી રેમડેસર સુરત અમદાવાદ મોરબી જિલ્લાની વડોદરા અને મહેસાણામાં પણ સપ્લાય થયાનો ઘટસ્ફોટ થયો છે. જયદેવ પાસેથી પોલીસે 38,400 ની કિંમતના 8 નકલી રેમડેસર કબજે લીધા હતા. અસલી છે કે નકલી તે જાણવા માટે પોલીસે ખોરાક અને ઔષધ નિયમન કચેરીના નિયામક સંદીપ પટેલને સ્થળ પર બોલાવી ઓરિજિનલ ઇન્જેક્શન સાથે સરખામણી કરાવી હતી, જેમાં જયદેવ સિંહ પાસેથી મળેલા ઇન્જેક્શન નકલી હોવાનું બહાર આવ્યું છે. મુખ્ય આરોપી કૌશલ જયદેવ સિંહને ઇન્જેક્શન રૂપિયા 3,500 ભાવે આપતો અને જયદેવ સિંહ 4,500 વેચતો હતો. સુરતમાં જયદેવ સિંહ ઝાલા 134 પૈકી 126 નકલી રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શન વેચ્યા હતા. જયદેવે સુરત સિવાય વડોદરા, અંકલેશ્વર અને મોરબીમાં પણ વેચાણ કર્યાનું સામે આવ્યું છે. હાલમાં આરોપી જયદેવ 10 દિવસના રિમાન્ડ પર છે. કોરોના કી જો મહામારી ઇસ વક્ત પૂરે વિશ્વમાં, ભારતમાં, ગુજરાતમાં, જો સુરતમાં ભી હૈ, ઉસકે કારણ કુછ એક દવાઈયાં એસી હૈ જિનકી ડિમાન્ડ બહોત જ્યાદા હૈ. ઇતના ઉત્પાદન ભારતમાં હોતા નહીં હૈ. इसमें एक मुख्य दवाई है रेमडेसिविर. कौशल वोरा नाम के एक आदमी ने, जो मूलतः सुरेंद्रनगर ज़िले का रहने वाला है, सूरत में रहता है, उसने सूरत रूरल डिस्ट्रिक्ट की हद में ओलपाड़ के पास पिंजरत गांव में एक मकान 40,000 रुपये महीने के भाड़े पे लिया और वहां इसने ग्लूकोज और सॉल्ट इसका सोल्यूशन बना के इंजेक्शन तैयार करने शुरू किए और इसका जो स्टिकर है वो ये कहीं से बनवाता था. इन सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है. कौशल वोरा यहाँ जो इंजेक्शन वो बनाता था, यहाँ से वो अहमदाबाद बेचता था. अहमदाबाद से कुछ एक माल उसका मोरबी गया. मोरबी पुलिस ने उसको पकड़ा. मोरबी पुलिस, अहमदाबाद पुलिस और सूरत शहर पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने सम्मिलित रेड की और उस फैक्ट्री पे रेड के दरमियान ये सारी चीज़ें पता लगें. बाकी डिस्ट्रिक्ट की इन्वेस्टिगेशन अलग चल रही हैं. हमारे यहाँ 8 इंजेक्शन कौशल वोरा ने जो जयदेव झाला नाम के एक आदमी को दिए थे वो हमने रिकवर किए हैं. इसके अलावा भी काफ़ी इंजेक्शन इसने एक और व्यक्ति है उसको दिए हैं, जिसकी तलाश अभी चल रही है. ये न केवल गंभीर गुनाह है, ये लोगों के जीवन से खिलवाड़ भी है और इस तरह के गुनाह को किसी भी परिस्थिति में, किसी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता. इसको पकड़ने में सफलता मिली है. उसके बाद अभी पुलिस ये तपास करेगी कि ये इंजेक्शन कहाँ कहाँ दिए गए, किस किस मरीज़ को दिए गए और इंजेक्शन लगने के बाद उस मरीज़ की केस हिस्ट्री आगे क्या रही. ये कुल 3,500 रुपए में झाला को कौशल वोरा देता था और झाला इसको, जयदेव सिंह झाला, 4,500 रुपए में आगे वो बेचता था. ये इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी तरह से डीप में जाके करने का काम चल रहा है. मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह के तत्वों के नापाक इरादों पे पुलिस कंट्रोल पा लेगी. धन्यवाद. ब्यूरो रिपोर्ट, आज़ाद न्यूज़, सूरत.